नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजस्थान में बदलते मौसम के चलते एक बार फिर से बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। बीमारी की वजह से अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर करौली के हिंडौन जिले की है, जहां मरीजों की लंबी लंबी कतार अस्पताल के बाहर लगी हुई है। बता दें कि इन मरीजों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी बीमारी हुई है, जिस वजह से इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सिचुएशन ये है कि अस्पताल में एक बेड पर चार चार मरीजों को एडमिट किया जा रहा है, जिससे काफी परेशानी अस्पताल में भी हो रही है और मरीजों को भी हो रही है। कई ऐसे मरीज हैं जिनको जमीन पर लेटा के ही उनका इलाज किया जा रहा है, और ये बीमारी अब बच्चों में भी देखने को मिली है। दरअसल बदलते मौसम की वजह से बच्चों में भी बीमारियां बढ़ गई हैं, उन्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है और शिशु वार्ड की भी पूरी बेड फुल हो चुकी है। अब इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामराज इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये अभी टेम्परेचर जैसे बढ़ने लगा है धीरे धीरे, इसी के साथ जैसे मौसम में बदलाव आया है उसके हिसाब से पेट दर्द है, उल्टी दस्त है, वैसे पेशेंटों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। तो लोगों में ओपीडी में जो ज्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं, पेट दर्द है, उल्टी दस्त है, तो इनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है और वार्ड में काफी पेशेंट ज्यादातर इसलिए ही आ रहे हैं। पिछले सप्ताह से इनके ये जो पेशेंट हैं उल्टी दस्त और पेट दर्द के जो पेशेंट हैं, इनमें काफी इजाफा हुआ है पिछले 7 दिन से। पिछले 1 से 2 महीने में ये पेशेंट और बढ़ेंगे। तो आपने डॉक्टर के बयान को सुना, हालत इतनी बेकाबू है कि मरीजों को एडमिट करने तक की जगह नहीं है। शिशु वार्ड की बात कर ले तो एक बेड पर चार चार शिशु भर्ती हैं और उसके बावजूद भी मरीजों का आना लगातार जारी है, जिससे डॉक्टर ने कहा है कि दिक्कत तो जरूर हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से हर एक मरीज का इलाज करें और उन्हें सुविधा दें। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी है। डॉक्टर ने कहा है कि बदलते मौसम की वजह से लोगों को मौसमी बीमारी तो जरूर हो रही है, लेकिन लोगों को अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना होगा। इसके लिए नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन करते रहे, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर कम रहे और बीमारी होने से आप बच सके। क्योंकि अब अस्पताल में ऐसी स्थिति है कि हमें बेड भी नहीं है हमारे पास, जो हम और मरीज को भर्ती करें। कई मरीजों का इलाज जमीन पर चल रहा है, इसलिए लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना होगा। और भी ऐसी खबरों के लिए आप भारत एक्सप्रेस राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।